हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब स्प्रिंट। दोस्तों, यहाँ पर रेलवे भर्ती 2021 आपका आया है, 10th प्लस ITI अगर आपके पास है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 3500 प्लस पोस्ट है, ऑनलाइन आप फॉर्म भरोगे। सैलरी दोस्तों यहाँ पर 18,000 से लेकर 56,900 उसके अंदर नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, तो उसका पूरा प्रोसेसर मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे क्या आपको कितना सैलरी मिलेगा, कितना मिलेगा एक्चुअल में। तो फॉर्म फीस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेसर क्या है, एक अप्रेंटिसशिप 1961 के तहत यहाँ पर वैकेंसी है वो रेलवे के द्वारा ली जा रही है। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर कर लीजिएगा आगे की हर प्रकार की अपडेट के लिए। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हो दोस्तों, तो आपके लिए यहाँ पर दुरीना ऐप लेकर आया है। यहाँ पर ग्रुप डी के लिए क्रेश कोर्स आपका 90% ऑफ है, 3000 का कोर्स आपको 299 रुपये में यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अलग अलग कोर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो जो कोर्स आपको अच्छा लगे वो आप परचेज कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले स्टोर का, वहाँ पर जाएँ देखें और आपको जो चाहिए वो परचेज करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अप्रेंटिसशिप के फ़ायदे क्या हैं। रेलवे के अंदर करो या फिर कहीं पर भी आप अप्रेंटिसशिप करो तो आपके लिए बहुत से ज़्यादा फॉर्म आते हैं। अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही मैंने 10 से 15 दिन पहले आपको ITI की एक वैकेंसी बताई थी जिसके अंदर अप्रेंटिसशिप वालों को प्रायोरिटी दी गई थी। तो अगर आप खाली टाइम हो या फिर आप स्टडी नहीं करते हो, जैसी तैयारी करते हो, तो आप अप्रेंटिसशिप वो कर सकते हो। इसे आप समय दें तो ये आपको आगे भविष्य में काम आएगा। और रेलवे की अप्रेंटिसशिप आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी, वो आपको नोटिफिकेशन में क्लियर किया है, क्योंकि रेलवे में अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो यहां पर आपको 18,000 प्लस यानी कि ग्रुप डी लेवल 1 की जॉब है वो आसानी से मिल सकती है। तो कैसे क्या है देखते हैं नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों ये आपकी वैकेंसी निकली हुई है, ऑनलाइन फॉर्म है वो यहां पर देख सकते हो, RRC के यहाँ पर WR के अंदर, वेस्टर्न रेलवे के अंदर, मुंबई के अंदर जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर ये वैकेंसी है। तो ऑनलाइन फॉर्म आप 25 मई से भर सकते हो 24 जून तक यहाँ पर। और ये आपका वेबसाइट दी गई है RRCWR.com, या फिर आप यहाँ पर इंडियन स्किल तहत के, आपकी जो स्किल इंडिया के तहत आपकी अप्रेंटिसशिप करवाई जा रही है, तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका जिक्र किया गया है। इनकेस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ओपन मार्केट टू पोस्ट ऑफ कैटेगरी लेवल 1 18,000 से लेकर 56,900। तो ये दोस्तों मैंने आपके थंबनेल पर क्यों लिखा है, क्योंकि आपको इन केस ऑफ यानी कि अगर भविष्य में कभी भी आपकी ओपन मार्केट के अंदर वैकेंसी आएगी लेवल 1 की, ग्रुप डी यानी लेवल 1 यानी ग्रुप डी की ओपन मार्केट में जो भी वैकेंसी आएगी भविष्य में, कोर्स कंप्लीट एक अप्रेंटिसशिप जो यहाँ पर एक अप्रेंटिसशिप है वो कंप्लीट कर चुके होंगे, CCAA यहाँ पर लिखा जाता है, अगर ट्रेंड रेलवे के द्वारा जो अप्रेंटिसशिप उन्होंने कर रखा है, NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ये अगर आपके पास है तो आपको प्रिफ्रेंस दिया जाएगा। 20% वैकेंसी है वो यहाँ पर आपकी नोटिफाई यानी कि रखी जाएंगी, रिजर्व रखी जाएंगी। 20% वैकेंसी यानी कि अगर 100 वैकेंसी ओपन मार्केट में आती हैं तो आपकी 20 वैकेंसी यहाँ पर ये रिजर्व रखी जाएंगी अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेटों के लिए, चाहे वो RRB RRC कोई भी वैकेंसी कंडक्ट करवाए, लेवल 1 की जो पोस्ट रहेगी इसके अंदर। तो देख सकते हो आप, यानी इसमें 100 वैकेंसी नहीं आती, इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती हैं। जैसे कि 2019 में 1,03,000 पदों पर वैकेंसी है, यानी कि इसमें आप देख सकते हो 20,000 वैकेंसी यहाँ पर अप्रेंटिसशिप वालों के लिए है। और 2016 के बाद में जो भी अप्रेंटिसशिप वाले हैं उन वही कैंडिडेट बचे हुए हैं। 2016 से पहले क्या रूल था कि रेलवे के अंदर जो अप्रेंटिसशिप करता था उनको परमानेंट रेलवे के अंदर ही रखा जाता था, पर यहाँ पर अब दोस्तों आपके रूल चेंज कर दिए हैं सरकार ने। तो अब आप 2016 के बाद में अगर कोई भी अप्रेंटिसशिप करता है तो उसको मिनिमम क्वालिफाई नंबर तो लेकर आने जरूरी होते हैं, और 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर मिनिमम क्वालिफाई नंबर लेकर आए थे कैंडिडेट और उनको यहाँ पर जॉब है वो मिली थी रेलवे के अंदर लेवल 1 की। और आप यहाँ पर 3591 पोस्ट हैं, तो ये इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर रेलवे में आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो। ये फॉर्म डेट आपको देख लो, SC ST OBC के लिए आपका एज यहाँ पर देख सकते हो 15 साल से मिनिमम एज और 24 साल मैक्सिमम एज। SC ST OBC के लिए 5 साल की मैक्सिमम छूट यहाँ पर दी गई है, और अक्सरिजमैन भी भर सकते हैं इसमें फॉर्म। तो यहाँ पर ये आपका एज यहाँ पर इन्होंने काउंट कर दिया है, जैसे UR है तो 97 से लेकर 6 तक का यहाँ पर भर सकता है, 2006 तक का कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है, और SC का 92 से लेकर 2006, SC ST और OBC का यहाँ पर 94 से लेकर 2006 तक का कैंडिडेट है वो फॉर्म भर सकता है। तो ये यहाँ पर एज के अंदर छूट दी गई है। इसके बाद में अगर हम देखें आपकी योग्यता, 10वीं आपका होना चाहिए 50% के साथ, ITI NCVT या SCVT किसी से भी अगर आपने कर रखा ITI, तो यहाँ पर आप
भर सकते हो। कंपलसरी ट्रेड यहाँ पर ये दिए गए हैं, कुछ आपके 17 ट्रेड दिए गए हैं। इस ट्रेड से अगर आपने ITI कर रखा तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि नंबर 1 पर आपका फीटर है, वेल्डर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, कारपेंटर है, पेंटर जनरल है, और आपका मशीन DSL है, MMV है, मैकेनिकल मोटर व्हीकल, और आपका प्रोग्रामिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेट असिस्टेंट, यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्राम यानी कि कोपा आपकी जो है वो ITI है। इसके बाद में इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वायरमैन इलेक्ट्रिशियन है, RAC है, प्लम्बर है, और आपके ड्राफ्टमैन सिविल है, और स्टेनोग्राफर इंग्लिश है। इसके अंदर अगर किसी ने भी यहाँ पर ITI कर रखी है तो वो कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। और आपका दोस्तों स्टाइपेंड दिया जाएगा आपको स्टार्टिंग में रेलवे के द्वारा, एक साल स्टाइपेंड है वो ITI वालों को लगभग 7,000 से 8,000 के बीच में आपका स्टाइपेंड दिया जाता है, 8,000 के समथिंग मानो आप स्टाइपेंड दिया जाता है। उसके बाद में जो वैकेंसी आएगी उसमें आपको यहाँ पर ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी मिल सकती है। और अभी छात्रों की मांग चल रही है कि उनको रेगुलर किया जाए रेलवे के अंदर, तो हो सकता है भविष्य में वो मांग यहाँ पर मान ली जाए तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसका होगा। OBC कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका 2020 और 21 का होना चाहिए, 21 और 22 यहाँ पर जो आपका दिया गया है। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका सेंटर वाला होना चाहिए, और 100 रुपये फीस है वो यहाँ पर कैंडिडेट को देनी है। SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट जो हैं उनको यहाँ पर फीस नहीं देना है, ये यहाँ पर क्लियर किया गया है। इस प्रकार आप देखो तो यहाँ पर नीचे आपकी पोस्ट का भी विवरण दिया गया है, पर सबसे पहले आपको बताऊँ सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर क्या होगा, कि आपके जैसे 60% नंबर 10th में है और 60% नंबर आपके ITI में है, तो इसके यहाँ पर दोनों नंबरों को जोड़ के 2 से डिवाइडेशन है वो कर दिया जाएगा, यानी कि आपके दोनों में 60-60% है तो आपका एवरेज भी 60% आएगा। अगर आपके 60% 10वीं में है, 80% ITI में है, तो आपका एवरेज है वो 70% आ जाएगा। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, उसके ऊपर आपकी मेरिट बनेगी, यानी कि आपको नो रिटन टेस्ट होगा और ना ही आपका वाइवा होगा, इंटरव्यू होगा, तो ये किसी भी प्रकार का नहीं होगा, ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 साल का रखा गया है इनके द्वारा, तो आप यहाँ पर 1 साल तक इसमें ट्रेनिंग करोगे, ऑनलाइन आपके फॉर्म भरे जाएंगे, यहाँ पर मेंशन किया गया आधार कार्ड। एक बात दोस्तों आपको बता दूँ, सबसे पहले अप्रेंटिसशिप आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने जीवन काल में एक बार ही कर सकते हो, एक ट्रेड से जिसे आपने ITI कर रखा है वो एक बार ही कर सकते हो, तो आप ये ध्यान रखें जिन्होंने पहले अप्रेंटिसशिप कहीं से भी कर रखा है स्किल इंडिया के तहत, वो कैंडिडेट दोबारा अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकेंगे, वो अप्लाई ना करें इसके अंदर, क्योंकि उनको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर बाहर निकाल दिया जाएगा, ये आप यहाँ पर किया साफ साफ बोला गया है। और जिन्होंने यहाँ पर एक ट्रेड से ज़्यादा 2 ट्रेड में ITI कर रखा है तो वो दोनों फॉर्म अलग अलग भर सकते हैं, यानी कि 2 फॉर्म आपको भरने हैं तो सेपरेट आपको 2 फॉर्म भरने होंगे, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है साफ साफ। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। और ऑफलाइन आपका फॉर्म है वो दोस्तों ऑनलाइन आप फ़ोन के अंदर भी भर सकते हो, अगर आप ट्राई करोगे तो इसमें आपके फ़ोन के अंदर भी ये फॉर्म भरा जाएगा। आपका ये ट्रेनिंग का अग्रीमेंट दिया गया है इस प्रकार से, और नीचे यहाँ पर ये वैकेंसी दी गई है मुंबई MMCT डिवीज़न के अंदर, इस प्रकार से वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, ब्रिज डिपार्टमेंट, ब्रिज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वडोदरा डिवीज़न के अंदर यहाँ पर जो आपका गुजरात के अंदर है उसके अंदर इस प्रकार से वैकेंसी है। तो मुंबई, वडोदरा और अहमदाबाद इन 3 डिवीज़न की यहाँ पर ये वैकेंसी है, रतलाम डिवीज़न, ये 4 डिवीज़न यहाँ पर ये दिए गए हैं, और राजकोट 5 डिवीज़न में आपकी ये वैकेंसी है। तो आप देखें जो भी आपको डिवीज़न में आपको फॉर्म भरना है, वैकेंसी है, उसको आप प्रेफरेंस देकर फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि एक से ज़्यादा आपको प्रेफरेंस दिए जाएंगे जिस भी आपको डिवीज़न में भरना है उसके अंदर। तो ये था दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आपने कुछ नहीं करना है, घर पे ही आप तैयारी कर रहे हो, तो आप ज़रूर इसके अंदर अप्लाई करें, क्या पता आपका नंबर आ जाए और आसानी से आप अप्रेंटिसशिप कर लो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।